हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी को कवर करने वाली हूँ। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जुलाई से स्टार्ट हुई है। कैंडिडेट यहाँ पर 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से 1 मंथ का टाइम दिया गया है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ से प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी परमानेंट पोस्ट के लिए है, तो 7 CPC पेमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक अवेलेबल रहेगी। यहाँ टोटल 21 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट रहेगी, इसकी डिटेल को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कैटेगरीज वाइज वेरी करेगी। यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हरडू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट cuj.ac.in को आप ओपन करेंगे, उसमें कैरियर पोर्टल में जाएंगे, देन आपका इस तरह का पेज आएगा। फर्स्ट नंबर में आपको रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशन शो होगा, इसे आप ओपन करेंगे तो इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। गाइज, इसकी डिटेल को जानने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई हुई है। इसकी डिटेल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस रिक्रूटमेंट की डिटेल को देखते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका इस तरह का पेज आएगा। इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, ये पब्लिक नोटिस है, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आप सारी डिटेल को देख सकते हैं। देन यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, एनेक्सर सेकेंड एंड थर्ड, इस तरह से सारी डिटेल को आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इस लिंक का यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप यहाँ पर अप्लाई करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसकी डिटेल को हम लोग देखते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजिशन। ये नोटिफिकेशन 16 जुलाई 2024 को आई है। यहाँ से रेगुलर बेसिस पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। यहाँ 7 CPC पेमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 रहेगी, इंट्री पे 1,44,200 रुपीज रहेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13 रहेगी, इंट्री पे 1,31,400 रुपीज रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगी, इंट्री पे 57,700 रुपीज रहेगी। यहाँ से आप डिपार्टमेंट वाइज सीट को देख सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से आप डिपार्टमेंट नेम को देख सकते हैं, ये सीट प्रोफेसर के लिए है, ये एसोसिएट प्रोफेसर एंड ये सीट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज, इसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि UR के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, 2 सीट अवेलेबल है, 1 for SC 1 for OBC, प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। देन यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि PWD के लिए है। कॉमर्स एंड फाइनेंसिंग स्टडीज में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि SC में है। देन यहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है फॉर UR, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट अवेलेबल है, 1 for SC 1 for UR, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि EWS के लिए है। देन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज में वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि OBC के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि UR के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि UR के लिए है। एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि ST के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि PWD के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है।
देन इनर्जी इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट अवेलेबल है, 1 for OBC 1 for ST। इंग्लिश स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि OBC के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट अवेलेबल है जो कि UR के लिए है। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। फार ईस्ट लैंग्वेज के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है जो कि UR के लिए है। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। ज्योग्राफी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि UR में है। जियोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जो कि UR में है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, 1 for ST 1 for SC। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है जो कि PWD के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है जो कि OBC के लिए है। देन यहाँ हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि SC के लिए है। मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि UR के लिए है। मैथमेटिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि UR के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है, 1 for UR 1 for OBC। देन मेटेरियल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि OBC के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि OBC के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि ST के लिए है। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि OBC के लिए है। स्टैटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि OBC के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि OBC के लिए है। इस तरह से प्रोफेसर के लिए टोटल यहाँ पर 12 सीट की वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 17 सीट की वैकेंसी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 सीट की वैकेंसी है। इस तरह से टोटल 21 डिपार्टमेंट में यहाँ पर 37 सीट की वैकेंसी है। इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ ही अदर डिटेल भी दी गई है। अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1000 रुपीज है फॉर UR OBC एंड EWS कैटेगरी। SC ST PWD एंड ओमेन कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पेड नहीं करनी है, उन्हें एप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। एप्लीकेशन फीस एक बार पेड हो जाएगी तो किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं की जाएगी। देन यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, ये हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। कैंडिडेट को यहाँ पर ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू CU चयन पोर्टल। यहाँ CU चयन पोर्टल का लिंक दिया हुआ है एंड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी लिंक को हम लोग देख चुके हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जुलाई 2024 10 AM से स्टार्ट हुई है। कैंडिडेट यहाँ पर 15 अगस्त 2024 23:59 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह की कोई चेंजिंग आती है तो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहेंगे। अगर अप्लाई करने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कैंडिडेट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी UGC एंड यूनिवर्सिटी के नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ से आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं, ये पोस्ट वाइज दी गई है। सबसे पहले प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रैवल स्टडीज में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन एज पर UGC रेगुलेशन होगी एंड ये रिलेवेंट कंसर्न एलाइड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। सेकंड में कॉमर्स एंड फाइनेंस स्टडीज में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है जो कि SC के लिए है। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन UGC के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी। अप्लाई करने के लिए स्पेशलाइजेशन मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एंड PhD इन कॉमर्स दिया हुआ है। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन दी गई है। यहाँ से आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं एंड ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो गाइज, आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उसकी डिटेल को देख लेंगे। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, परमानेंट पोस्ट है एंड काफी टाइम है अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट को ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड कैंडिडेट का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होगा। SC ST PWD एंड ओमेन कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस भी पेड नहीं करनी है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी है तो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।